हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही रोचक है, अर्थात रेनी सीजन। बरसात के सीजन में अगर आप भीग जाते हैं और उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, उसमें होम्योपैथिक इलाज क्या हो सकता है, अर्थात होम्योपैथिक दवाओं का अप्रोच क्या हो सकता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने इस हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बरसात यानी कि जैसे ही बरसात आती है और हम अपने नियमित कार्य में जैसे ही बाहर जाते हैं, कहीं ना कहीं बरसात में भीग जाते हैं और उस भीगने की वजह से जो है हमें बरसात में तमाम तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं, अर्थात बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसमें ख़ास तौर से सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, या फिर इसके साथ साथ जो है पूरे शरीर में दर्द होता है या खांसी होती है। तो ये सारे कुछ लक्षण या सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं जब आप बरसात में भीगते हैं। तो इस बीमारी के बारे में मैं आपको जो है होम्योपैथिक की टॉप टू मेडिसिंस जो होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी दो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इसमें बहुत अच्छी कारगर हैं। तो सबसे पहले दवाई की बात करते हैं, तो सबसे पहले दवा जो है डलकमरा है। डलकमरा अर्थात अगर आप बरसात में भीग जाते हैं और उसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम रनिंग नोज है या इसके साथ साथ जो है आपके आंखों से पानी आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपको डलकमरा बहुत अच्छा काम करेगी। और साथ ही साथ जो है अगर खांसी आती है तो भी डलकमरा जो है बहुत अच्छा इसमें काम करती है। अब बात करते हैं दूसरी दवाई जो है रस्टाक्स है। रस्टाक्स जैसे कि बरसात में भीगने के बाद हमारे स्किन पे क्या होता है कि कहीं कहीं रैसेस पड़ जाते हैं या फिर स्किन पे जो है तमाम लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसको कि हाइव्स बोलते हैं या अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जलन खुजली या फिर उसमें जो है इरिटेशन होता है। तो ऐसे में जो है रस्टाक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। रस्टाक्स के साथ साथ जो है आप डलकमरा भी आप लेते रहें तो बरसात में आपको जो है किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। इन दवाओं को जो है आप अपने सिम्टम्स के आधार पे ले सकते हैं। इनकी पावर आप 30 में रखेंगे और एक एक बूंद सुबह शाम लेना है जब तक कि आपके सारे सिम्टम्स चले नहीं जाते। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको फ्री कंसल्टेंसी करनी है तो आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और इसके साथ साथ जो है आप अपनी कंप्लेन को जो है लिखिए, उसके साथ साथ मैं जो है आपको अपने खाली टाइम में ज़रूर जवाब दूंगा। मैंने बरसात से रिलेटेड तमाम दवाएं जो थी, ख़ास तौर से रस्टाक्स और डलकमरा जो कि बरसात की मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, उसके कुछ सिम्टम्स और इलाज के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी शेयर की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरह से लाभप्रद साबित होगी। लास्ट में मैं आप सब से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस हेल्थ एजुकेशनल वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले तमाम हेल्थ एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिलते रहें। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद।